हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आपके भी फ्री फायर मैक्स में लॉगिन नहीं हो रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने फ्री फायर मैक्स में लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। तो यहाँ पर अब हम अपने फोन पे हैं और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हमारा जो फ्री फायर है, फ्री फायर मैक्स जो है वो उसमें लॉगिन ही नहीं हो रहा है, फ्री फायर मैक्स जो है वो खुल ही नहीं रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फ्री फायर मैक्स को ओपन किया हुआ है और यहाँ मैं आपको करके पहले दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हमारा जो प्रॉब्लम है वो आ रहा है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ एरर करके आ जाता है, लॉगिन फेल्ड, प्लीज ट्राई लॉगिन आउट फर्स्ट। इस तरह से हमारा जो एरर है वो आ रहा है। इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं उसी के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने बहुत देर से ट्राई कर रहा था, कई बार मैंने ऐप को ओपन किया और क्लोज किया, लेकिन यहाँ पे यही प्रॉब्लम जो है वो हमारा आ रहा है। देखिए वापिस से यहाँ पे वही प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, एरर आ जाएगा और वही मैसेज लिखा हुआ आ जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं वापस से वही मैसेज यहाँ पे पॉपअप में आ गया है और हमारा जो फ्री फायर मैक्स है वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब इसे हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? तो इसके लिए मैं आपको कुछ ट्रबल शूट्स बताऊंगा, कुछ सेटिंग्स बताने जा रहा हूँ जो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है अपने फ़ोन में, उसके बाद ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम अपने फ़ोन पे आ गए हैं और एक्चुअली ये प्रॉब्लम जो है वो हमारे इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण होता है। हमारे फ़ोन में प्रॉपर इंटरनेट नहीं चल रहा होगा, इसीलिए शायद हो सकता है ऐसा मैसेज हमें दिखा रहा है फ्री फायर मैक्स में। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ऊपर से स्लाइड करना है और यहाँ पे आपको अपने फ़ोन में फ्लाइट मोड को एक बार एक्टिवेट करना है, फ्लाइट मोड को ऑन करना है। उसके बाद इसे ऑफ कर देंगे और आपको चेक कर लेना है कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो यहाँ पे आ रहा है, नेटवर्क आ रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं मेरा इंटरनेट कनेक्शन भी है और नेटवर्क भी पूरा फुल है, तो हमारा जो इंटरनेट है वो बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार अपने सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाइए और उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको दिखाई देगा इंटरनेट, इंटरनेट का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्लिक करके चेक कर लेना है कि आपका जो इंटरनेट वाला सिम है वो सही सही सिलेक्टेड है कि नहीं, जिसमें आप रिचार्ज करते हैं उसी सिम को। यहाँ पे कई बार क्या होता है कि हमारा दूसरा सिम सेलेक्ट हो जाता है जिसमें रिचार्ज नहीं होता है, इसके कारण से भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपको सही सही सिम सेलेक्ट कर लेना है, मेरा सही सही सिम सेलेक्टेड है और अब यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं। तो ये दो सेटिंग हमने कम्प्लीटली चेक कर लिया है। अब आपको जाना है फ्री फायर मैक्स ऐप पे, सॉरी यहाँ पे आप सेटिंग्स पे जाइए, सेटिंग्स पे, उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऐप्स का, देख सकते हैं ऐप्स का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फ्री फायर मैक्स जो है उसे ढूंढ लेना है। तो चलिए यहाँ पे ये रहा फ्री फायर मैक्स, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। सबसे पहले आप इसे फोर्स स्टॉप कीजिए, फोर्स स्टॉप कीजिए और उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा डाटा यूजेज, देख सकते हैं डाटा यूजेज, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि आपका जो यहाँ पे दो सेटिंग्स होता है, डिसेबल मोबाइल डाटा और वाईफाई, ये दोनों आपका ऑन तो नहीं हो गया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे ऐप के सेटिंग्स से ही जो नेटवर्क है, जो इंटरनेट है वो बंद हो जाता है, जिसके कारण से भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपका सेटिंग जो है वो सही है या नहीं। तो यहाँ पे मेरा अभी फिलहाल सब सही है, ये मैंने दोनों ऑफ कर दिया है और उसके बाद यहाँ से हम बैक आ जाते हैं और एक बार आपको जाना है स्टोरेज ऑप्शन पे, देख सकते हैं ये रहा स्टोरेज यूजेज, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको क्लियर कैच करना है। ध्यान रखना आपको क्लियर डाटा नहीं करना है, क्लियर कैच करना है, देख सकते हैं क्लियर कैच हो गया। उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है, बैक आ जाइए और अब यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं और अब वापिस से हम एक बार अपने फ्री फायर मैक्स को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए देख लेते हैं स्टार्ट होता है कि नहीं। तो ये मैंने स्टार्ट किया, सो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लॉगिन स्क्रीन आ गया है, लॉगिन करके देखते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमारा जो आईडी है वो यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे वापस से क्लिक कर लेते हैं और देख सकते हैं हमारा जो आईडी है वो यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुली हो गया है। इसी तरीके से आप भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।